answer to question number one, yes, PTI did, and the list I've asked for, it will be produced today before I complete. No, SIC ne to nahi di. And answer to question number two, no. तो उनका लेटर था ना, आपने कल पढ़वाया था कि मैं हमें वो तो जॉइंट कंटेस्ट नहीं कर रहे, उन्होंने खुद ही कहा पीटीआई को कोई आपने रिजर्व सीट्स दी जी पीटीआई नो सर नो नॉट एट ऑल आपने नहीं दी नो नॉट एट ऑल दे कंटेस्टेंट सर नाउ आई कम टू द प्रोपोर्शनल बिकॉज सिकंदर पार्टी नहीं आई इनफैक्ट द इलेक्शन कमीशन एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस सर बेसिस ऑफ अ जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट सो से दैट टेक दैट पोजीशन इट्स अ वेरी क्लियर पोजीशन But if this court says or comes to the conclusion that the election commission had grossly misinterpreted that judgment, what would be the consequence? Let that come in the judgment, my lord. No, not the judgment. It seems it's like that question is above my pay grade. I am answer. Dekhe na, then read when you again and again are talking about the text of the constitution. Yes, sir. Read Article 17. It does not authorize you to exclude a political party from the electoral process. You have violated, speaking for myself, Article 17, and that is the text of the constitution. What's the text? I agree with my lord to the extent that Article 17 is also in the text of the constitution. आगे बढ़े ना चलें करें. Sir, so अब on proportionality. आपको कितना वक्त और लगेगा? एक दो मिनट लगेंगे या मच मोर देन दैट? मच मोर देन दैट सर. तो अगर देखिए नो आप करें मगर फिर कोई तारीख मेरे ख्याल में कर लें बिकॉज अब क्योंकि हम तो पहले कोशिश कर रहे थे खत्म करें आप सर. नहीं ये तो मुझे चलें बिकॉज़ नॉट फॉर मी सर देयर इज अ रिबटल एंड एटसेट्रा. सो अब आप लोग आपस में कोई डेट हम तयून कर सकते हैं? एनी डेट माय आई एम तब वो मेरी कुछ माय लॉर्ड दिस इज अ फुल कोर्ट. आई डाउट इफ एनी काउंसिल कैन से आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट. आपने लिस्ट दी है ये टेबल मंडे रख लें मंडे को सर 11:30 बजे बिल्कुल ठीक है. फ्राइडे को मुनासिब नहीं है और सर मैं उससे पहले ये सीएमए फाइल करूंगा. मंडे को जब आएंगे जी वो आप डॉक्यूमेंट भी जो आप लाए ना वो मैं अगर आप हमें कल सबमिट कर लें तो मैं अभी दे दूंगा. मुझे हमें दे दे मैं आ जाएगा. अच्छा आप जब भी कर रीडर्स को दे दूंगा. यस यस आप सीएमए की शेप में फाइल कर मंडे को जब आप आएंगे. मैंने एक्चुअली अभी उस तरह किया हुआ है सर. आई एम जस्ट मेकिंग उनको बुला एक पेटी सी रिक्वेस्ट के वो फिर सीएम नंबर लगेगा और नहीं नहीं वो हम लगवाते हैं ना. मैं कोर्ट एसोसिएट को हैंड कर Yes. And one copy to my learned friend. Yes, please do it now. It will be done now. एक चीज. Do it now. Why are you ignoring the other learned friend? My learned friend. Sir, give me one copy to one learned friend. There are two learned friends there. ज्यादा बना रहे हैं तो एक दो और बना दें और इस तरफ भी दे दीजिए ना इनको ये अटॉर्नी जनरल को सारों को दे देंगे. इन्होंने 16 बनाई है. अच्छा ठीक है. नहीं 16 चले सर. देखें ये आज आप ऐसा करें मेरी वाली आज ना दें इनको तो दे. नहीं नहीं सर सर मैं सारों को दे दूंगा. बाद में मुझे दे दीजिए. मैंने आज नहीं पढ़ना है. ठीक है बिफोर आई लीव द बिल्डिंग दे विल ऑल हैव इट. ओके बिफोर बिफोर सर मैं जस्ट वन एक मंडे को आएंगे. आपने जो हमें लिस्ट दी है इसमें बाज ऐसे हैं जो कि जिनने नॉमिनेशन सीरियल नंबर मुझे दे दें ताकि मैं चेक. नहीं नहीं इसमें नहीं है. अच्छा लाइक यू गॉट बैरिस्टर गोहर अली खान एंड यू गॉट मिस्टर अयूब जिनका नाम इसमें नहीं है. वो जो है अब सुन लें वो जिनने इनके अलावा डिक्लेरेशन दी हो और सर्टिफिकेट दी हो उनकी लिस्ट भी हमें सारा कर लेने सारा जो चेक करता हूं कि बिकॉज गोहर प्लीज आप मत जैसे हमें लिस्ट में भी बता दें जो बाकी थे आप उनकी हमें दे दें. कौन कौन से कैंडिडेट्स थे जिनने डिक्लेरेशन दी और पीटीआई की और साथ सर्टिफिकेट दिया पीटीआई का. ठीक अगर आप दे कंटेस्टेड आल्सो सिकंदर साहब अगर ये आप मुझे पता है जल्दी में बनी अगर इसमें कोई गलती है तो आप उसको भी नए वाले में आराम सर. नहीं मैं आई ऑलवेज ये मैंने कल खुद से बैठ के बनाई है. एंड सर एक आई मीन इफ आई नो द बेंच इज वेरी बिजी दिस इज व्हाट वन पैकेज लुक्स like of what I'm submitting and those pages are a summary. My lords can pick any
nomination paper and just go through it. These are the 81 people that you're talking. These are the 81 people, and my learned friends will have a copy, and I will leave one 13 here. I'm not asking for any homework to be done by the bench, but this is there, and I can take my lords through it happily on Monday morning. What the consequence? साहब ने किस पार्टी से गौहर साहब जो है वो फॉर आई अस्यूम एंड परहैप्स फॉर टैक्टिकल रीजन गौहर साहब इज नॉट इन पीटीआई आप प्लीज ऐसे प्लीज स्टेटमेंट ना दें जब तक आपने डॉक्यूमेंट खुद नहीं देखे इसीलिए हमने कहा आप ना दें आप बाकी जितने हैं जिन जिन ने ये दो चीजें दी हुई हैं डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट उनकी लिस्ट हमें इसलिए जरूरी है कि गौहर साहब ने स्टेटमेंट दिए कि मैंने सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन पीटीआई का सबमिट किया ये यू मेड अ स्टेटमेंट बिफोर अस इसलिए हम कंपेयर माय लॉर्ड आई स्टैंड करेक्टेड आई शुडंट हैव अंटिल आई सी द यस आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैरिस्टर गौहर एंड पीटीआई दिस इज सीएमए 5913 आई एम जस्ट सेइंग आई फाइल्ड दैट आप सर आप हमें कॉपी दे देंगे इसकी मंडे 11:30 ग्रेटफुल माय लॉर्ड वेरी ग्रेटफुल ये अभी दें सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक समात अब पीर तक मुलतवी कर दी गई है आप किसी और पार्टी का मंशूर ना देखें आप मेरी बात सुने वकील सिकंदर बशीर की जानिब से ये कहा गया दीगर पार्टियों के मंशूर को नज़रअंदाज क्यों करूँ जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए क्या हम तमाम पार्टियों का मंशूर देखें या एक पार्टी का जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए तो ये अहम केस था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि हम ये चाह रहे थे कि दो रोज़ में इस समात को कंक्लूड कर लें लेकिन अब ये समात पीर तक मुलतवी कर दी गई है दौरान समात ये वकील की जानिब से कहा गया मुझे ज़रूरी लगा कि सुन्नी इत्तेहाद का आइन अदालत के सामने लाया जाए सिकंदर बशीर की जानिब से ये दलाइल दिए गए क्या इलेक्शन कमीशन हर जमात का मंशूर या आइन पढ़कर उन्हें मखसूस नशस्त देता है जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए इंतखाबी निशान ना मिलने पर उम्मीदवार का कैसे पार्टी से ताल्लुक टूट सकता है चीफ जस्टिस डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर पढ़ दिया और ये समात अब पीर तक मुलतवी कर दी गई है इट्स ऑन पेज 16 द वेरी लास्ट पेज ऑफ द कंसाइज स्टेटमेंट सर सीएमए 5840 पार्ट 1 पेज 16 जी नंबर 7 फॉर्मूलेशन नंबर 7 सर 5840 Without prejudice to the formulations 1 to 6, it is appropriate to bring to the notice of this court that Article 3, Chapter 1 of the Constitution of SIC, appended with this concise statement, restricts membership of SIC to only adult Muslims and places further three conditions of a like nature to membership. The conditions in the said Article 3 of SIC's Constitution are violated. First read the... Bilkul, sir. It's at page 279. Of part 2 of my concise statement, my lord. Is this something you would see in the normal course when giving reserved seats? No. Is this relevant or is this for them to see? Questioned on why they're going against their thing. But isko aapne formulation jo banayi hai, iski legal significance bata. Sikandar sahab, adding to this, this is very pertinent. It's 279. Second, Sikandar Saab. What? It's very pertinent, as Her Ladyship has stated, and we were informed yesterday that even JUIF has a similar clause. Okay, but did you allocate reserve seats to JUIF? नहीं एक सेकंड ठहरिए ये जो नहीं एक ही बात है अगर जेयूआई की बात है तो वो डॉक्यूमेंट दिखाइए